श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 19 फरवरी को शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। और ये दशमी तिथि क्यों खास है? क्योंकि ये पड़ी है सोमवार के दिन, और सोमवार का जो दिन होता है ये भगवान शिव को समर्पित होता है। और इसी दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, ताकि आपके जीवन में भगवान शिव की सदैव कृपा बनी रहे। तो इसीलिए आपको आज के दिन करना है ये 5-5-5 वाला उपाय। बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है, आपकी ऐसी विश है जो बहुत समय से अधूरी है और आप चाहते हैं वो मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जो विशेष रूप से जब भी दशमी तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तब आपको ये उपाय करना चाहिए। किस प्रकार से उपाय करना है, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है और किन लोगों को ये उपाय करना चाहिए, वो हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। और ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, यानी प्रदोष काल के समय तक कर सकते हैं। जब आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर लें। अगर सुबह करना चाहते हैं तो आप सुबह कर लें, नहीं तो आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो ये और भी उत्तम है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले, तो देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है। अब ये बेलपत्र कैसा लेना है? बेलपत्र की जो तीनों पत्तियाँ हैं ना, वो आपको सही सी लेनी है, यानी ऐसा बेलपत्र लेना है सुंदर सा, जो कटा फटा ना हो, खंडित ना हो, ऐसा आपको एक सुंदर सा बेलपत्र ले लेना है, ठीक है ना। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है। अब ये दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, आप भगवान शिव के मंदिर आ गए, शिवलिंग के समक्ष आ गए। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको उपाय को किस प्रकार से करना है, आपको क्रम समझना है। तो देखिए, आप शिवलिंग के समक्ष आ गए, तो जो आप एक भेलपत्र लेके आए ना, तो भेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है ना, उस साइड से आपको भेलपत्र को अर्पित करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और जो डंडी का हिस्सा होगा ना, वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको भेलपत्र को अर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको कहाँ अर्पित करना है इस भेलपत्र को? ये आपको करना है भगवान शिव के शिवलिंग में, गणेश जी वाले स्थान पर। और गणेश जी का स्थान होता है भगवान शिव के सीधी तरफ। तो यहाँ पे आपको बेलपत्र को अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देना है, जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं। अब वो आपके व्यापार से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, या आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि महादेव जी सुन लें आपकी, तो आपको उस अनुकामना का आपको स्मरण कर लेना है, ठीक है ना। तो अब आपको यही बेलपत्र उठा लेना है आप, ठीक है ना। अब यही बेलपत्र आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, और उसी विशेष मनोकामना का स्मरण करते हुए, ठीक है। अब इसी बेलपत्र को उठा करके अब आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, और आपको यहाँ पर भी उसी मनोकामना का स्मरण करना है, ठीक है। अब आपने तीन जगह अर्पित कर दिया, तीनों जगह जो डंडी का हिस्सा है ना, वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, और चिकना वाला भाग शिवलिंग में स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से ही आपको अर्पित करने हैं। अब इसी बेलपत्र को आपने तीन जगह कर दिया, अब चौथी जगह भगवान शिव के शिवलिंग में जो माता पार्वती जी का हस्तकमल होता है ना, यानी कि जो कटी भाग होता है जहाँ पे जलाधारी और शिवलिंग मिली होती है ना, जो कटी भाग होता है बीच में, देखिए स्क्रीन में हम बताने का भी प्रयास करेंगे, यहाँ पर आपको ये चौथा बेलपत्र अर्पित कर देना है, ठीक है ना। अब आपने चार जगह कर दिया, अंत में आपको ये पांचवा बेलपत्र पांचवी बार आपको ये भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। आपने पांच जगह अर्पित कर दिया, अब आपको क्या करना है, अब आप एक तांबे के पात्र में जल लेके आए हैं।
अब इस जल को सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, उसके बाद आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, उसके बाद थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, उसके बाद थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती जी के हस्त कमल यानी कटी भाग के पास में आपको चारों तरफ अर्पित कर देना है, ठीक है ना, कटी भाग के आसपास। उसके बाद अंत में शेष जितना भी जल है ना ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए मात्र आपको इतना सा ये उपाय करना है आज के दिन। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से सोमवार की दशमी तिथि पर ये उपाय करता है तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती नहीं, यानी कितनी भी पुरानी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से उसकी परिपूर्ण होती ही होती है। कुछ समय ही लगेगा लेकिन ये मनोकामना आपकी निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी, क्योंकि बहुत ही खास ये उपाय है। ये उपाय आपने भगवान शिव के पूरे परिवार के नियमित किया है तो आपको इसका बहुत ही सुंदर फल प्राप्त होता है। बस आपको ये उपाय पूरे अपने भाव के साथ करना है, महादेव जी ने चाहा तो आपकी ये मनोकामना निश्चित रूप से जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको आज के दिन ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए ये तो हो गया पहला उपाय, अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए ये उपाय भी विशेष रूप से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है, या फिर आपके जीवन में बहुत अधिक संकट हैं, परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। तो देखिए आपको किस प्रकार से करना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेने हैं मात्र 5 आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने, ठीक है ना। हरे मूंग के दाने भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं तो आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। इसी के साथ आपको 5 लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च आपको कैसी लेनी है, साबुत वाली जो काली मिर्च आती है ना, वो आपको मात्र 5 काली मिर्चें ले लेनी है, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है और इस सारी सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए आप भगवान शिव के मंदिर आ गए, तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आप 5 काली मिर्चें लाए थे ना वो आपको जो जल का पात्र है ना इसके अंदर डाल देनी है। 5 आप हरे मूंग के दाने लेके आए थे वो भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए आप ये 5-5-5 वाला उपाय आप कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से करना है, आप 5 हरे मूंग के दाने लाए थे, 5 आप काली मिर्च के दाने लेके आए थे, अब तीसरा हमें क्या करना है, 5 जगह आपको इस जल को समर्पित करना है। अब किस प्रकार से करना है, अब आपको ये समझना है, क्रम समझना है। तो देखिए आप भगवान शिव के शिवलिंग में सबसे पहले आपको ये जल कहाँ समर्पित करना है, ये आपको करना है भगवान शिव के शिवलिंग में गणेश जी वाले स्थान पर। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको करना है कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको करना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अर्पित। थोड़ा सा जल आपको करना है माता पार्वती जी के हस्तकमल यानी कटी भाग के पास आपको समर्पित कर देना है। फिर शेष जो जल होगा ना, यानी आपने 4 जगह कर दिया, 5वां आपको कहाँ करना है, ये आपको शेष जल जितना भी है जो काली मिर्च और हरे मूंग के दानों से मिश्रित जल है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और जब ये उपाय आप करेंगे, जब आप 5ों जगह जल समर्पित करेंगे, तब आपको अपनी उसी विशेष मनोकामना को स्मरण करना है। आपके जीवन में जो भी बाधा है, कष्ट है, परेशानी है, उसके बारे में आपको स्मरण करना है। महादेव जी से आपको प्रार्थना करनी है, भगवान शिव के पूरे परिवार से आपको प्रार्थना करनी है और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। बहुत ही सरल उपाय है। आज की इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं। कौन सा उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं, वो उपाय आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। महादेव जी की आपके जीवन में ऐसी कृपा बनेगी कि आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो निश्चित रूप से आपकी ज़रूर परिपूर्ण होगी। तो आपको ये उपाय आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव।